हेलो जी, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे हो, अच्छे होंगे जी। मैं सौरभ दयामा लेकर आया हूं आज आपके लिए एक नया बिल्डर फ्लोर साउथ सिटी 2 के अंदर, साउथ सिटी 2 सेक्टर 49। देखिए लोकेशन सबको पता है, क्या लोकेशन में क्या चीज मिलती है अपने को, बट जो क्वालिटी का आज बिल्डर फ्लोर मैं आपके लिए लेके आया, ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत बेस्ट क्वालिटी के अंदर बहुत प्यारी चीज आई हुई है। 360 स्क्वायर यार्ड का अपने को एक घर मिलने वाला है 4 BHK, और ऐसी क्वालिटी आपने देखी नहीं होगी। जो क्वालिटी का बिल्डर फ्लोर अपने को यहाँ पे मिलने वाला है, आसपास किसी लोकेशन में नहीं है। मेलबू, साउथ सिटी 2-1, अपना कोई भी हम लोकेशन उठा ले, निर्माण वगैरह कहीं पे भी अपने को ये क्वालिटी की चीज है, और जो रेट में ये चीज है ना, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कहीं भी नहीं है। तो वीडियो में आप बने रहिए, तो मिलते हैं हम वीडियो पे। I don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. साउथ सिटी 2 जैसी प्राइम लोकेशन के अंदर आज आपके लिए बिल्डर फ्लोर लेके आए हैं हम। बहुत प्यारी लोकेशन के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। सैंपल फ्लोर अभी आपको मैं इसका दिखाऊंगा, रेडी हो रही है चीज़ें, बहुत जल्द इनकी पोजीशन मिलने वाली है। और जो चीज़ अपने को मिलने वाली है ना, ऊपर दिखाता हूँ आपको, देख के समझ आएगा। बट हम चलते पहले अंदर फ्लोर के, ये मैंने कि फ्लोर के अंदर एंट्री, जैसे कि होता है कि बिल्डर फ्लोर में नॉर्मली 4 फ्लोर्स को 4 इंडिविजुअल टैंक्स मिलते हैं अलग अलग सबके, और ये हमने की एंट्री। 360 स्क्वायर यार्ड का साइज मिल जाता है जी हमें, तो आपको पता ही है पार्किंग का बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है। 1, 2, 3, 4 गेट प्रॉपर मिलते हैं हमें, किसी को भी गाड़ी आगे पीछे नहीं करनी, किसी को कुछ नहीं निकालना, सबकी प्राइवेट पार्किंग रहेगी, प्राइवेट गेट रहेगा, ये बहुत बड़ा पार्किंग का स्पेस मिल जाता है। तो हम चलते हैं अपना सीधा फ्लोर के अंदर, यहाँ से भी सीधा एंट्री है हम, एंड जो ये वाला स्पेस है जो यहाँ से भी मेन एंट्रेंस है, ये वाला जो एरिया है हमारा रहेगा कॉमन। हम चाहते हैं कि कोई हमारा सीधा फ्लोर पे नहीं आए, यहाँ पे आपको छोटी मोटी मीटिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पे अलग से स्पेस दिया हुआ है बिल्डर ने, पूरी चीज़ें मेंटेन्ड है। और बाकी बात करूँ मैं यहाँ पे भी सीलिंग का, देखिए आप यहाँ पे भी क्या प्यारा काम किया, स्टिल्ट का एरिया है ये पूरा, कैबिन वगैरह बिल्डर ऐसे आपको करके देगा, बाकी आपके चॉइस के हिसाब से कॉमन एरिया रहेगा पूरा। इसके बाद हम चलते हैं अब अपने फ्लोर के ऊपर, ये आ गया फ्लोर। यहाँ पे देखिए 2 जोड़े हुए बने हुए हैं, तो लिफ्ट यहाँ पे अपने 2 लिफ्ट है, 1 और 2। आगे फ्लोर पे आपको मैंने स्टेल्ट का पूरा एरिया दिखाया, स्टेट केस का देखिए कितना बड़ा स्पेस मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। सामने ये भी एक फ्लोर है, ये फ्लोर है 360 स्क्वायर यार्ड का, ये बिल्डर फ्लोर है 360 का ये है, एंड लिफ्ट मिलती है अपने को प्रॉपर, 2 लिफ्ट दी हुई है। अब चलते हैं फ्लोर के अंदर, अंदर जाने से पहले आप देखिए दरवाजे का साइज आप देखिए, और घर की फील है ना जो बहुत ग्रैंड दी हुई है प्रॉपर, ये देखिए स्पेस। आपको ना सबसे पहले लेआउट बताता हूँ, और दरवाजे वगैरह की क्वालिटी तो है ही अपनी जेन्युइन। सबसे पहले आपको लेआउट इसका अच्छी तरह समझ देता हूँ। देखिए मैं ये आ गया अपना डाइनिंग का स्पेस, वहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है प्रॉपर, बेडरूम नंबर 1 दिया हुआ है, बेडरूम नंबर 2, 3, 4, किचन है, लेआउट आपको दिखाया, बहुत प्यारा लेआउट है, और जो क्वालिटी की चीज़ें मिलने वाली हैं तो आपको वीडियो में आगे समझ में आएगी। सबसे पहले हम चलते हैं किचन के अंदर, किचन से हम करते हैं शुरुआत। ये पूरा स्पेस दिया हुआ है किचन, आप देखो कितना बड़ा हमें मिलता है किचन, 360 स्क्वायर यार्ड का बिल्डर फ्लोर है, किचन का बहुत बड़ा स्पेस बना हुआ है, बहुत बड़ी अपने किचन मिल जाती है। आप देखिए प्रॉपर पेंट्री वगैरह, चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, OTG, सारी चीज़ अपने को मिलती है, सॉफ्ट क्लोजेट्स के साथ अपने को मिल जाता है किचन, एंड हेडेक की मिलती है फिटिंग। ग्रे कलर का किचन है, बहुत बड़ा किचन दिया हुआ है, आपको स्पेस देख के समझ आ रहा होगा बहुत बड़ा है, अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है ना उसके बाद भी बहुत स्पेस बच जाता है पीछे की तरफ। और बाकी मैं बात करूँ पीछे सामने वाली बालकनी को अटैच करती है, देख घर का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो अपना बालकनी को अटैच नहीं करता, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले हम चलते हैं इसके सामने वाले बेडरूम के अंदर, जो बेडरूम नंबर 1 है, या बेडरूम के साइज देखो, बहुत अच्छे साइज के अंदर बहुत प्यारे बेडरूम है, और जो क्वालिटी का काम किया हुआ है, सीलिंग का काम आप देखो कितना बेहतरीन किया हुआ है, हैवल्स के प्रॉपर अपने को फैंस मिलते हैं, लैंप वगैरह का काम आप देखिए, फर्नीचर बिल्डर ने डाला हुआ है सैंपल के तौर पे कि हम क्या चीज़ें बना के दे रहे हैं। ये बेडरूम भी अपना जैसे मैंने आपको बताया फ्रंट बालकनी को कनेक्ट करता है, और साइज हो गया बेडरूम्स का या फिर क्वालिटी होगी ना, A1 लगाई हुई बिल्डर ने, प्रॉपर अपने को मिलते हैं स्लाइडर्स, वॉकिंग क्लोजर्स मिल जाती है अपने को, और यहाँ पे ऊपर तक दिया हुआ है पूरा स्पेस यूटिलाइज किया हुआ है बिल्डर ने। एंड इसके बाद हम आ गए इसके बाथरूम के अंदर, बाथरूम में भी प्रॉपर यहाँ पे देखिए पार्टीशन वगैरह करा के दे रहे हैं, और बहुत बड़ा साइज देते हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है बाथरूम का, फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है, तो क्वालिटी तो A1 है। और जिन रेटों में, जैसे मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे रेटों में बहुत अच्छी क्वालिटी का भी बिल्डर फ्लोर आया हुआ है, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल करो, विजिट बुक करो। एंड साइज आप देखो जी, बाथरूम्स के साइज देखो आप,
बेडरूम्स की आप साइज देखो, अभी तो हमने एक बेडरूम देखा है इसका, ये ऊपर आप सीलिंग के ऊपर काम देखिए कितना बेहतरीन काम मिलता है अपने को, सीलिंग का पार्टीशन वगैरह यहाँ पे कराया हुआ है। बाकी ये स्पेस आप देखो, वॉल्स पे जो काम किया हुआ है, मोल्डिंग्स का हो गया, वुडन का बहुत अच्छा टेक्सचर के साथ काम किया हुआ है, पीछे आपको वो भी दिख रहा होगा, वॉल मोल्डिंग्स का काम तो A1 कराया हुआ है, बहुत बेहतरीन काम कराया हुआ है जी, देखने में मजा आता है, ऐसा काम कराया हुआ है बिल्डर ने, स्टेनलेस वगैरह बहुत प्यारे यूज किए हुए हैं। ये मैंने आपको इसका डाइनिंग का स्पेस दिखाई दिया, कितना बड़ा अपने को डाइनिंग का स्पेस मिलता है, बहुत बेहतरीन साइज मिलता है। अब हम चलते इसके ड्रॉइंग एरिया के अंदर भी, या गया इसका ड्रॉइंग एरिया। देखिए होता क्या है ना कि बहुत से लेआउट ऐसे होते हैं जिसमें अपना किचन के साथ ही कनेक्ट होता है ड्राइंग रूम, तो प्राइवेसी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत क्लाइंट बोलते हैं, बट बिल्डर ने वही चीज़ रखी हुई है, अगर कोई हमारा गेस्ट हमारे ड्राइंग एरिया में है तो उसको किचन कैसे भी विजिबल नहीं है, बहुत अलग किचन पड़ जाता है, डाइनिंग के साथ भी किचन विजिबल नहीं है, तो लेआउट बहुत बेस्ट निकाला हुआ है जी, बहुत ध्यान रख के चीज़ें बनाई हुई है। आप देखो 360 स्क्वायर यार्ड के अंदर अपने को क्या प्यारी चीज़ें मिलने वाली है, वॉल्स पे आप देखो वुडन के टेक्सचर्स के साथ जो काम किया हुआ है, पैनलिंग का काम, और सीलिंग पे हम देखें कितना प्यारा काम किया हुआ है, स्टेनलेस वगैरह सभी चीज़ें अपने को एजिटीज मिलने वाली है, और जो काम किया हुआ है वॉलपेपर्स हो गए, या फिर जो साइज मिलता है, साइज आप देखो कितना बड़ा हमें ये एरिया मिल जाता है ड्राइंग का, पीछे जो अपने को देख रही है वुडन का काम कितना प्यारा करा हुआ है, ऊपर हाईलाइटिंग लाइट्स वगैरह का बहुत प्यारा काम है, ड्राइंग भी अपना सामने वाली फ्रंट बालकनी को कनेक्ट करता है। एक काम करता हूँ मैं ना आपको, बस सामने वाला स्पेस दिखाई देता हूँ, बालकनी की तरफ हम चलते हैं, सामने वाले बालकनी की तरफ। यहाँ पे अपने UPVC से यूज़ नहीं किया है, पूरा प्रॉपर अपने को एल्युमिनियम के मिलते हैं स्लाइडर्स, एल्युमिनियम के है। बाकी ये आप स्पेस देखो 360 स्क्वायर यार्ड है जी, बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है, बहुत प्यारा बिल्डअप फ्लोर बनाया हुआ है। साइज़ आप देखो 360 में कितने वाइड हमें बालकनी मिलती है, सामने आप देखो गेटेड ब्लॉक है, बहुत प्यारी ब्लॉक है, बहुत अच्छी लोकेशन के अंदर ये बिल्डअप फ्लोर आए हुए हैं, और जिन रेटों में आए हुए हैं ना ऐसी चीज़ें बार बार नहीं आती। मैं करता हूँ फिलहाल इन स्लाइडर्स को, और अब हम चलते हैं अपने रूम्स के अंदर। देखिए आपको मैंने ड्राइंग दिखाया, इसका डाइनिंग स्पेस दिखाया, हम चलते हैं इसके बेडरूम नंबर 2 की तरफ। वन आपको मैंने दिखा दिया किचन, दिखा दिया ये पूरा स्पेस, एड किया गया अपना बेडरूम नंबर 2। बेडरूम्स का आप साइज़ देखो कितना बड़ा अपने को बेडरूम मिलता है, पूरा जो काम करा हुआ है जी, लैंप वगैरह का बहुत प्यारा काम करा है, ये काम अपने वेजिटेज मिलने वाला है, वॉल्स पे बहुत प्यारा काम किया हुआ है, सीलिंग का काम बहुत अच्छा कराया हुआ है, और जो चीज़ें बनाई हुई है ना बिल्डर ने, एक बेडरूम के अंदर ना किंग साइज बेड लगाया हुआ है कि आपको समझ आए कि बिल्डर क्या चीज़ लगा के दे रहा है, क्या क्वालिटी का काम करा के दे रहा है वो है। बाकी जैसा मैंने आपको बोला कि कोई भी बालकनी, कोई भी बेडरूम ऐसा नहीं है जो बालकनी को कनेक्ट नहीं करता, तो ये देखिए पीछे वाला बेडरूम है, ये वाला बेडरूम भी अपना पूरा प्रॉपर यहाँ पे एक छोटी बालकनी को कनेक्ट करता हुआ है, तो वेंटिलेशन की ना किसी भी बेडरूम के साथ कोई कमी नहीं रहने वाली, बालकनी अपना हर एक बेडरूम के साथ कनेक्ट है। अब हम चलते हैं इसके बाथरूम के अंदर, किया गया बाथरूम अपना जो है कॉमन वॉशरूम, इस वाले बेडरूम का साथ अटैच भी है एंड यहाँ से कॉमन भी है, तो साइज़ आप देखो प्रॉपर जैकवार की अपने को मिलती है बाथरूम के अंदर, फिटिंग पूरा पार्टीशन वगैरह करा के दे रहे हैं बिल्डर, टाइलिंग का वर्क और कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा यूज़ करते हैं। ये देखिए हमने वहाँ से की थी बेडरूम के अंदर एंट्री, यहाँ से एग्जिट, तो वहाँ से ये है कि गेस्ट वगैरह के लिए अलग से बेडरूम्स के अंदर जो नहीं आना, यहाँ से भी कनेक्टिविटी दी हुई है जो कि बहुत प्यारी चीज़ है। बाकी आप साइज़ देखो बिल्डअप फ्लोर की क्वालिटी आप देखो, मैंने आपको दो बेडरूम दिखा दिया, इसका ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस दिखा दिया, किचन दिखा दिया, मतलब सामने वाला सारा पैसेज मैंने आपको दिखा दिया है, अब बसते हैं पीछे वाले दो बेडरूम्स, ये बेडरूम एंड ये बेडरूम। अब हम चलते इसके बेडरूम नंबर 3 के अंदर, ये बेडरूम्स का आप साइज़ देखो, क्वालिटी देखो, जो चीज़ें दी हुई है ना बिल्डर ने वो देखने में मजा आ जाता है, ये क्वालिटी का काम मिलता है जी अपने को, बहुत बेहतरीन वुडन फ्लोरिंग का काम किया हुआ है, वुडन भी टॉप नॉच की बिल्डर ने यूज़ की हुई है, और क्वालिटी साइज़ आप देखो जी प्यारा मिलता है, वॉल्स पीछे देखिए कितना बेहतरीन क्या प्यारा काम किया हुआ है, फिनिशिंग है ना जो अपनी देख के अपने को मजा आ जाता है, बहुत प्यारी फिनिशिंग के साथ बिल्डर ने काम किया हुआ है, और पूरा किंग साइज बेड लगाया हुआ है, उसके बाद भी अपने को देखो कितना स्पेस मिल जाता है, तो वही चीज़ें हैं। बाकी ये देखो पूरा प्रॉपर यहाँ पे अपने को कबर्ड्स वगैरह मिलते हैं ब्लैक लुक के साथ, क्या फिनिशिंग दी हुई है। अब हम चलते हैं इसके बाथरूम के अंदर, बाथरूम का आप स्पेस देखो, कलर कॉम्बिनेशन आप देखो बाथरूम का, वही पार्टीशन वगैरह अपने को प्रॉपर मिलती है, चेक वॉल की फिटिंग मिलने वाली है जी, बहुत प्यारी चीज़ बनाई हुई है, बहुत अच्छे रेटों में आई हुई है, तो वही मैं बार बार बोलूँगा आपको, 360 स्क्वायर यार्ड का बिल्डअप फ्लोर अपने को चाहिए, अच्छे रेटों में चाहिए, साउथ सिटी 2 जैसी लोकेशन चाहिए, गेटेड के अंदर ये चाहिए, तो नंबर दिया हुआ है कॉल करो, विजिट बुक करो, साइज आप देखो किस क्वालिटी का काम कराया हुआ है बिल्डर ने। इसके बाद हम चलते हैं अभी इसके बेडरूम नंबर 4 के अंदर, आपको पीछे वाली बालकनी में भी इसके लेके चलूंगा, बट ये हम आगे इसके बेडरूम नंबर 4 के अंदर। ये बेडरूम का आप साइज देखो, वही अगेन कि बेडरूम के साइज बहुत प्यारे है, बिल्डर फ्लोर बहुत प्यारा बना हुआ है, किंग साइज़ बेड लगाया हुआ है, उसके बाद भी आप देखो काउच बेसक यहाँ पे काउच डाल लीजिए आप, इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है अपने को, सीलिंग का काम बहुत प्यारा कराया हुआ है, एंड ये हो गया क्लोजेट्स, वॉकिंग क्लोजेट अपने को मिलती है रोज गोल्ड की, इसमें रखी हुई है क्लोजेट्स, थीम बहुत प्यारी रखी हुई है,
एंड ये आ गया इसका बाथरूम। बाथरूम में ना टाइलिंग का वर्क आप देखो, कितनी प्यारी टाइल्स यूज़ की हो, कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है बिल्डर ने, तो देख के बनती है जी चीज़ें। बहुत बड़ा साइज निकाला हुआ है, 360 स्क्वायर यार्ड में, इससे बेस्ट बिल्डर फ्लोर इन रेटों में नहीं है, ये आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल करो, विजिट बुक करो। तो जैसा कि है मैंने आपको बोला कि पीछे वाली बालकनी में भी आपको लेके चलता हूँ, यहाँ से आपको पूरा स्पेस दिखा दिया, अंदर का पूरा लेआउट मैंने आपको बता ही दिया है। टॉप फ्लोर भी अवेलेबल है, सबसे मेन चीज़ कि टॉप फ्लोर भी अवेलेबल है, 5-6 यूनिट बन रही है। तो अपना अगर कोई ऐसे जाए कि 2 फैमिली को साथ में लेना है और टॉप वगैरह की रिक्वायरमेंट है, वो मिल जाएगा, आमने सामने वाले फ्लोर मिल जाएंगे, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल हो जाएगी। बाकी आप प्यारा काम करा के दे रहे, स्टिल्ट में बहुत प्यारा काम कराया हुआ है, साइज़ बहुत अच्छा निकाला हुआ है, बालकनी काफ़ी वाइड है, 360 स्क्वायर यार्ड है, तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत बेस्ट काम है, बहुत प्यारा काम किया हुआ है, बहुत अच्छे रेटों में। हाँ जी, तो कैसे लगा आपको ये फ्लोर? आई होप फ्लोर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अपने को अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट हमें जरूर बताइए, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल करें और विजिट बुक करें। देखिए जो प्यारी चीजें मिलने वाली है ना, तो बार बार नहीं आती, जल्दी से जल्दी हमें कॉल करें, विजिट बुक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिल्डर फ्लोर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।